वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज मैं यहाँ पर आ गई हूँ पासीघाट में, तो पासीघाट के रानीगढ़ ब्रिज पर यहाँ पर हूँ अभी मैं। देखो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे अभी आसाम से भी खिड़की खाने के लिए, वहाँ पर भी देखा दो। तो तो गाइस अभी हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट वहाँ पर, उस पार पर एक रेस्टोरेंट है, वहाँ की फूड को रिव्यू देने के लिए जाएंगे। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ और मैं आप सबको बताऊंगी वहाँ पर क्या मिलते हैं, रेट कैसे होते हैं। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ और मेरे साथ साथ आप सबको भी दिखा दूँगी। और तो चलो, पासीघाट का ये एक टूरिस्ट प्लेस है, ये हमारे खूबसूरत भी यहाँ पर माइकोसिया रिवर देखो वहाँ पर है, नीचे पर बह रही है। तो गाइस ये रहा हमारा फाइनल डेस्टिनेशन। तो अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ का फूड को ट्राई करने के लिए। आप अपटू डेट आपको बाद में इसका रिव्यू दूंगी कैसे होते हैं। तो चलो स्टेच्यू अभी ऑर्डर दिया है, अभी तक नहीं आए हैं। तो चलो, तो गाइस देखो यहाँ पर इतनी खूबसूरती से सजाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसके लिए मैं आई हूँ ये है जापानीज केक, वाओ बहुत। और ये है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, इसीलिए इसी को खाने के लिए ट्राई करने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। और यहाँ पर देखो वो दोनों आते ही फोटो, और इंटीरियर तो बहुत सुंदर से सजाया है देखो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो क्रिसमस ट्री सजाया है। एडवांस में आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटा क्लॉस। तुम्हें जाके देखो ये बहुत सुंदर है, जाओ वाह इतना सुंदर है, वाओ यू लुकिंग वेरी प्रीटी। तो चलो अभी हमारा ऑर्डर भी आ चुकी है, जापानी चीज केक, वाओ। तो गाइस ये रहा फाइनली मेरी जापानीज चीज केक रेडी है। तो चलिए अभी टेस्ट करके देखते हैं। नॉट बैड, ये केक का खासियत ये कि यहाँ पर शुगर कम है और यहाँ पर वो क्रीम भी नहीं डालती है, तो इसलिए ये बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं यहाँ पर आती हूँ। तो ये है ब्राउनीज भी बहुत मज़े है खाने के लिए। और यहाँ पे थारो कोको आइस टी, और ये रहा लेमन, भूल गया लेमन क्या था, ये यहाँ पर अंडे फूस बना के, और ये प्लेन राइस है विथ कॉर्न, और यहाँ पर दो लेग पीस है, और यहाँ पर थोड़े से फ्रेंच फ्राई देते हैं। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं बाद में, इसके बाद खा के आपको रिव्यू दूंगी तो कैसे होते हैं। तो गाइस अभी मैं जो ट्राई कर रही हूँ ये है चिकन पोके बॉल, तो बहुत ही टेस्टी है। तो ये है चिकन हॉट विंग्स, तो ये भी बहुत टेस्टी हैं। तो अभी लाइट चली गई है,
तभी मेरा खा के ख़त्म हो गया। देखो कि नो गया था सुबह के ख़त्म हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, तो बाद में बताती हूँ। तो अभी हमारे बिल अभी आएंगे, कितने कितने होंगे आप सबको मैं वो दिखाऊंगी बैठाऊंगी। तो चलो वेट करते हैं अभी बिल के। खाने का बिल 1700 हो गया। तो सबसे अच्छा मुझे सिर्फ चीज केक लगा है यहाँ का, और ये लेमन ग्रास की भी अच्छी है। 10 में से इसको मैं 8 दूंगी। विंग्स, हॉट विंग्स 10 से 7। मचा तो 8। अभी हवी की तो चलिए अभी यहाँ से निकलती है, टाइम हो गया है, पढ़ रही हूँ चलती है। चलो लेके आता, चलो अभी चलते हैं। यहाँ पर करंट भी नहीं है, क्रिसमस का वाइब से देखो यहाँ पर। चलो अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है। दोनों बाय। तो देखो क्रिसमस वाइब। अरे मेरा गाड़ी सब लेके आओ। जाएगा जाएगा। चलो चलो तो निकलते हैं यहाँ का। यहाँ से जाने का बाद आपको वहाँ पर जाकर यहाँ का फूड का रिव्यू जरूर दूंगी। अभी हम लोग वहाँ से निकलकर अभी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने के लिए आए हैं, तो व्यू को थोड़ा एंजॉय करने के लिए। तो देखो बहुत ही सुंदर है। तो ये मेरी फेवरेट जगह है पासीघाट के। अभी विंटर चले, बहुत ठंडी है और ये हमारी बहुत। तो अभी बूथ का रिव्यू दूंगी, तो बहनों से भी पूछूंगी कैसे लगा है उन लोगों को। तो चलिए क्या लगा है सबसे अच्छा, तुमको क्या लगा है? एवरेज था। 10 में से कितना देंगे जापानीज चीज केक को? 9। कैसा था? तो अभी हम लोग वहाँ से निकल कर अभी यहाँ पर थोड़े बैठ रहे, और इन लोगों से भी पूछती है वो लोगों को क्या क्या अच्छी लगी है। और चिकन विंग्स और चिकन विंग्स का रेट ज़्यादा था लेकिन ना, हाँ बट कोई बात नहीं, होता ही है। थोड़ा इतना अच्छा रेस्टोरेंट है तो स्टाफ लोग तो अच्छी थी, हाँ। तो सर्विस भी अच्छी थी, लेकिन प्राइस थोड़ा ज़्यादा थी मेरे ख्याल से, इस ऑनेस्ट रिव्यू। तो मतलब चिकन विंग्स 3 था शायद, 3 का आई मीन 350। खाने के लिए सब बहुत टेस्टी था, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे चिकन हॉट विंग्स लगा है। चिकन हॉट विंग्स का प्राइस जो है कि 350 था, खाने में तो बहुत टेस्टी थी बट प्राइस थोड़ा ज़्यादा, बट ऐसा होता ही है सब में, बट हम लोग के लिए लेकिन कोई बात नहीं, ये तो अपना अपना वो है। टेस्ट वाइज तो बिल्कुल अच्छी थी और टेस्टी थी, और अलग ही उसका फ्लेवर था, तो अच्छी लगी है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी वही लगी है कि जापानीज चीज़ केक, बस वही। उसमें 10 में से मैं उसको 9 दूंगी। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना दे रही हूँ जो बाहर से पासीघाट में आते हैं, और वो लोग ढूंढते हैं अच्छी रेस्टोरेंट, और जब वीरानगर पे आते हैं तो यहाँ पर वो लोग मालूम नहीं होते हैं, तो इसी कभी कभी अंदर जाना चाहती है। फिर हम जैसे लोग थोड़ा पहले जान लेने से ठीक होता है प्राइस वाइज, तो इसीलिए मैंने इसमें वीडियो बनाई है। तो गाइस मेरी आज की वीडियो यही तक एंड होती है, मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।